है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत 14वां एक्सरसाइज मीन्स 14th एक्सरसाइज, जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मेरा पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, मीन्स कौन थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, वो थे मेयर, नामी था मेयर। फिर किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो वो करता है एपिथीलियम उत्तक, एपिथीलियम उत्तक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी क्या है, एपिथीलियम उत्तक, एपिथीलियमी उत्तक। और कौन सा एसिड हेल्पफुल करता है, तो एस्कर्विक एसिड मीन्स विटामिन सी घाव भरने में हेल्प करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो कौन है जो शरीर को गर्म रखता है, तो वो है वसामय उत्तक, वसामय उत्तक फैट। सेवेसियस ग्रंथि पाई जाती है, सेवेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अस्थनियों के त्वचा के डर्मिस में, अस्थनियों के त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी कहाँ होती है, तलवे पर, तलवे पर। फिर है लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रवित करती है, तो लेक्राइमल ग्रंथि से क्या स्रवित होता है, आंसू, आंसू। आपसे वो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आंसू कहाँ से होता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से, लैक्रिमल ग्लैंड से। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, वो होता है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो वो होता है तंत्रिका कोशिका, कौन सा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका उत्तक की इकाई है, तो उसकी जो यूनिट होता है तंत्रिका उत्तक का, वो क्या होता है, वो होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन। नेक्स्ट, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक किसके द्वारा जाता है, तो वही नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका उत्तक के द्वारा। नेक्स्ट है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, तो लिगामेंट किसके साथ जोड़ता है, वो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट क्या होता है, अस्थि को अस्थि से, और एक होता है टेंडन, वो जोड़ता है अस्थि को स्किन से, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। टेंडन क्या होता है, अस्थि को स्किन से मीन्स बोन को स्किन से, और लिगामेंट क्या होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। फिर ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है, तो ऊँट के कुबर में होता है वसामय उत्तक, फैट होता है उसमें। नेक्स्ट है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, किसी में जो मोटापा बढ़ जाता है किसी के अंदर, तो वो क्या होता है, वसा उत्तक के कारण, फैट के कारण ही। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जो है वो उत्तक है, तो रक्त क्या है, उत्तक है, याद रखिएगा, रक्त क्या है, उत्तक है। नेक्स्ट है, बायोप्सी ये किसे संबंधित है, तो परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करना, परीक्षण के लिए उत्तक को, जैसे अगर किसी का लीवर मान लो किसी का खराब हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकल कर अगर कोई टेस्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या कहा जाता है, बायोप्सी। बहुत मीन्स क्या होता है, डेंजरस होता है वो। फिर है, मस्ट कोशिका मीन्स मस्ट सेल पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, वो होता है संयोजी उत्तक में, कहाँ, संयोजी उत्तक। फिर है हेवर्सियन, हेवर्सियन तंत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो होता है अस्थनियों के अस्थि में, अस्थनियों के अस्थियों में, ब्लड मीन्स बोन में। नेक्स्ट है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, मीन्स जिसको फेफड़ा जो होता है जिसको ढका रहता है, तो वो होता है फ्लूड़ा, फ्लूड़ा। दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये किसका बना होता है, ये बना होता है डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन। दांत का शिखर किसका बना होता है, तो दांत का शिखर जो होता है वो किसका होता है, एनामिल का, एनामिल। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, दांत का शिखर किसका होता है, एनामिल का। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु जो है इसमें से क्या है वो, तो प्रौढ़ संयोजी उत्तक है, प्रौढ़ संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है हमारा, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। तो ये था इस वीडियो का एंड, क्योंकि 23 प्रश्न ही थे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।